क्या बोल रहे हैं? चलिए उधर सारी गड्ढा उठा नहीं ना इधर आगे से आप आइए ना। चलिए चलिए, क्या बोल रहे थे बाबू? वैसे भूखे हैं, सारी व्यवस्था कुछ भी नहीं है, ना खाने का है, खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ लगेगा ना, बगल में रिफाइनरी है, बगल में मार्केट है, फिर भी ये गांव हर बार डूब जाता है। और दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ के मंत्री, माननीय मंत्री गिरिराज सिंह भी है, यहाँ के सांसद दो बार से हैं, और वो भी जानते होंगे कि ये गांव हर बार डूब जाता है, हर बार यहाँ का स्थिति दयनीय होता है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। खाएगा क्या ना रहेगा, खाना उना व्यवस्था किया है कि नहीं नेताजी? कुछ नहीं। तो भूखले तब हम मानेंगे कि आप विधायक हैं और आप इस मटिहानी विधानसभा के अंदर आप एक जनता एक लोग को आप सेवा कर रहे हैं। कोई सेवा नहीं कर रहे, देख लिए इस बात पे, देखिए ताली बज रहा है। और ये स्थिति है गांव का, और तीन चार दिन से ये डूबा हुआ है, लेकिन विधायक जी हो चाहे सांसद जी हो, देखने के लिए अभी तक नहीं आए ना, एक दिन भी नहीं आए। किया चाची, वोट तो दिलवो ना, वोट तो दलिए, तो काहे रहा। देख लीजिए कहाँ तक हम डूबे हुए हैं, ये सड़क है और सड़क का ये स्थिति है, घर का भी स्थिति दिखाइए उधर थोड़ा नहीं, मतलब घर का ये भी स्थिति है। और यहाँ के लोग किस तरह रह रहे हैं वो दिखाने का हम प्रयास करते हैं। और यहाँ के सांसद जी, माननीय गिरिराज सिंह जी, और यहाँ के विधायक जो हैं राजकुमार जी, वो भी कहते हैं लोग कि यहाँ पर आज तक देखने के लिए नहीं आए, तीन चार दिन से यहाँ पानी है ना, तीन चार दिन से पानी आया हुआ है, लेकिन अभी तक वो देखने नहीं आए हैं। बाकी ये स्थिति देखिए कहाँ तक पानी है, इधर उधर का स्थिति भी देख लीजिए, इधर उधर जा नहीं रहे, डर लगता है कहीं गड्ढा उड्ढा होगा तो गिर जाएंगे। कहाँ कहाँ देख लें, ओनो बगल में हम सब का यही पूरा बस्ती यही हाल है ना। हाँ, पूरा बस्ती डूबा हुआ है। हाँ, अच्छा, बेगूसराय तो बगल में मार्केट है, बगल का ये गाँव है, तो काहे डूब जाता है ये बार बार, पता नहीं कैसे डूबते हैं। तो नेताजी जो यहाँ के सांसद विधायक हैं, वो व्यवस्था नहीं करते हैं, हर बार डूब जाता है तो व्यवस्था नहीं करते हैं, काहे नहीं व्यवस्था करते हैं? बोलते होंगे चुनाव वोट मांगने के लिए आते हो तो बोलते होंगे ना कि व्यवस्था कर देंगे, आप गांव आपका नहीं डूबेगा। अभी बार आया था वोट मांगने के लिए, कहा था सब कुछ हम अच्छी करेंगे, अभी तक कुछ हेल्प भी अच्छी नहीं किया है। अच्छा, बोल देते हैं कि व्यवस्था कर देंगे, आप गांव नहीं डूबेगा, लेकिन करता नहीं, नहीं करता है, बोलते हैं लेकिन नहीं करता। हाँ, एक भी कौन 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 इससे पहले कौन बोले हैं, कोई ऐसा नेता बोले हैं कि व्यवस्था कर देंगे आप गांव नहीं डूबेगा? वही विधायक है ना जी, कहे विधायक जी। हाँ, क्या नाम है विधायक जी? राजकुमार। अच्छा, वो अभी तो आपका गांव डूब गया था, अभी आए हैं देखने के लिए? नहीं, एक बार नहीं आए, नहीं आए देखने, तीन चार दिन हुआ, एक बार नहीं अभी तक करने आए। तो विधायक जी तो बोले होंगे कि आपका गांव नहीं डूबेगा, अगर कुछ होगा तो हम देखने आएंगे, व्यवस्था। हाँ, बोलते हैं, ऊपर पहले बहुत बोले, बहुत तरह की बात की है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, एक बार आए। कैसे कैसे आप लोग रह रहे हैं, घर डूबा हुआ है पूरा, कैसे कैसे रह रहे हैं? देखिए रहे हैं, चौकी पर सोते हैं, किसी तरह जी अति करते हैं। गंदा पानी, पूरा गंदा पानी, पूरा गंदा पानी, पूरा है तो? गंदा पानी में आप लोग रहने को मजबूर हैं? मजबूर है। खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना तो नहीं है होता अभी तक तो कुछ। इधर आइए चाची, ने आग बोलिए ना, व्यवस्था ने कुछ व्यवस्था, केना लोग खाना खाएगा, केना रहेगा? खाना उना व्यवस्था किया है कि नहीं नेताजी? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो भूखले रहते हैं, अगर खाना नहीं बनाते होंगे तो भूखले रहते हैं? चूरा हुआ की नहीं निकल कल से मुखिया जी यहाँ, वो क्या कहते हैं, कुछ बेगूसराय अथी ब्लॉक से आए हैं, कुछ व्यवस्था किए, वो भी समय पर नहीं हो पा रहे हैं, अभी से शुरू किए हैं, कल से 5 बजे शाम को खाना देते हैं, भर दिन भूखा ही रहना पड़ता है। मेन सबसे बड़ा बात है यहाँ के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी व्यवस्था नहीं है, नहीं व्यवस्था नेताजी नहीं किए, कोई व्यवस्था नहीं किए। अच्छा, कैसे आप लोग पीते हैं पानी? कैसे जाते हैं दूर जाके पीते हैं, वहाँ बांध पर जाके इतना पानी में हेलते हुलते हुए। अच्छा, जाते आप लोग? अभी इतना पानी है, जो छोटा बच्चा है वो सब कहाँ है? वो सबको घरे में रखते हैं, कुछ बहुत के बाहर भेज दिए हैं, कुछ बहुत के वो अपने जहाँ जहाँ रिश्तेदार हैं वहाँ पर भेज दिए हैं, कुछ बहुत घर में बैठे हुए हैं। हाँ, देखिए छोटा बच्चा, उसका देखिए कहाँ तक पानी है, अगर हो, अगर बाय चांस कहीं गड्ढा उड्ढा होगा तो दिक्कत हो जाएगा ना उसको। जी चलिए, देखिए ये बेगूसराय का गांव है, और बगल में देखिए, बगल में रिफाइनरी है, बगल में मार्केट है, फिर भी ये गांव हर बार डूब जाता है। और दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ के मंत्री, माननीय मंत्री गिरिराज सिंह भी है, यहाँ के सांसद दो बार से हैं, और वो भी जानते होंगे कि ये गांव हर बार डूब जाता है, हर बार यहाँ का स्थिति दयनीय होता है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। देखिए चाचा को देखिए कैसे पानी में तैर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, ये पानी में रहने के लोग मजबूर है। और हम लोग भी देखिए कैसे कहाँ तक डूबे हुए हैं, नेमत का भी स्थिति देखिए, वो हमसे थोड़ा छोटा है तो ज़्यादा डाउन हो गया, ठीक है। बाकी ये स्थिति पानी में है, और पानी में उधर का स्थिति दिखाइए कितना भी, बैग भींग जाएगा, बैग को थोड़ा ऊपर कर लीजिए। बाकी गांव घूमकर सोच रहे हैं कि आपको दिखाएं कि रचियाई गांव का अभी फिलहाल में क्या स्थिति है, कैसे लोग रह रहे हैं। देखिए डर लगता है कहाँ कहीं पे कोई गड्ढा उड्ढा होगा, जानकारी नहीं है तो गिर उड़ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बाकी कैसे लोग यहां पे रह रहे हैं ये स्थिति दिखा रहे हैं आपको, लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गाँव का स्थिति। क्या बोल रहे हैं? चलिए उधर सारी आप आइए, गड्ढा उड्ढा नहीं ना इधर आगे से आप आइए ना। चलिए चलिए, क्या बोल रहे थे बाबू? अच्छा चलो। हाँ, सुबह से भूखले हो? हाँ। तो खाना का व्यवस्था तो हुआ है? खाना देने नहीं आया है? नहीं। हाँ, खाना देने नहीं आया? नहीं।
तो सांसद विधायक जी देखने नहीं आते हैं? नहीं, नहीं। के है सांसद विधायक जी के है, पता है विधायक जी कौन है? अच्छा आप लोग का पढ़ाई भी बंद होगा आप लोग का? अच्छा इससे पहले पानी आया था गांव में, देखे थे कभी? हर साल आता है पानी? हर साल पानी आता है, लेकिन कोई नेता यहाँ मतलब कोई व्यवस्था नहीं करता है ना? नहीं। अभी तक आप लोग खाना नहीं खाए हैं? नहीं। यही ना कह रहे हैं, खाना का व्यवस्था यहाँ नहीं, पानी का व्यवस्था नहीं है? नहीं। चलिए देख लीजिए, पानी का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था तो इतना है कि पूरा पानी गांव डूबा हुआ। हाँ बात सही है, पीने वाला पानी। बाकी कैसा लग रहा है पानी में तैर कर? देखिए पानी में तैर कर अच्छा तो लगता नहीं है किसी को। अच्छा। मजबूरी में तैर रहा है सब, बाढ़ आया। हाँ। इसके लिए करना चाहिए सरकार को। हाँ। उपाय जल्द से जल्द निवारण करना चाहिए, लेकिन एक्शन ले नहीं रहे हैं। आपके सामने मौजूद देख रहे हैं सबका। एक बार बताइए, माननीय मंत्री जी हैं, सांसद जी, उनको तो सारा बात पता होगा बेगूसराय का स्थिति, क्योंकि उनको सब कुछ पता रहता है। हाँ, कहीं भी छोटा सा भी घटना होता है तो पहुंच जाते हैं। हर बार ये गांव डूबता है, वो उनको पता नहीं होता ये गांव डूब रहा उनको, है। हाँ, हम पता क्यों नहीं रहेगा, सबको पता है, बच्चा को पता है। तो काहे नहीं व्यवस्था होता है, ये गाँव जब बार बार डूब रहा है, बार बार ये स्थिति हो जा रहा है, तो व्यवस्था काहे व्यवस्था नहीं करते? सरकार की गलती है, खरा खरी। आप लोग की गलती नहीं है, आप लोग बार बार जो जिताते हैं, पहली बार नहीं दूसरी बार वो जीते हैं। पहली बार अगर आपका व्यवस्था नहीं हुआ तो फिर दूसरी बार आपको पूछना चाहिए था। हाँ हाँ, हम जनता का कुछ गलती है। हाँ। जनता सोचती नहीं है, तो जनता का गलती है तो भोग रहा है ना? हाँ भोग रहा है। अच्छा वही बातें है, जागरूक होइए। हाँ। सरकार बदलिए, काम होगा। कह रहे हैं कि विधायक जी बार बार बोलते हैं गांव का ये करवा देंगे, कुछ मतलब व्यवस्था कर देंगे ताकि गांव नहीं डूबे। बोलने से नहीं ना होता है, करने से ना होता। अभी तो देखने के लिए आते होंगे ना, वही सब खाना वाना व्यवस्था वही किए होंगे, आएंगे देखने के लिए। अच्छा, खाना का व्यवस्था पानी का व्यवस्था विधायक जी ने किए हैं? हाँ हाँ, एक बार होता है, बार बार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अच्छा व्यवस्था कौन किया खाना पानी? वहाँ से आए हैं, कहीं पे देखे खाना पानी का व्यवस्था? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। मतलब विधायक जी खाने पीने का व्यवस्था भी चीज का व्यवस्था नहीं है? हम लोग आए हैं अभी देखने के लिए, विजिट करने के लिए आए हैं। सुभाष चौक बेगूसराय से SBSS कॉलेज अध्यक्ष हुए। अच्छा। देखने के लिए आए। बताए विधायक हो के कुछ अभी तक कोई चीज का मदद किए हैं कि नहीं? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए हैं। कहते हैं कि विधायक से जहां विधायक जी, इन लोगों का कहना है कि विधायक जी बोलते हैं कि अगर कुछ होगा तो हमको फोन करिएगा तुरंत। क्या होगा जब हम डूब जाएंगे, तैर जाएंगे? किसको कहता है कितना बच्चा, किसको तैरना आता होगा? कोई डूब के मरे जाए तब आप आइएगा विजिट करने के लिए। अच्छा उससे पहले आप कहा एक्शन ले रहे हैं? कुछ नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे हैं। पूछिए इन लोग ग्रामीण वासी है ना, पर्सनल है, हम लोग तो आए हैं उतना दूर से देखने के लिए। इन लोग से पूछिए क्या दिन विधायक आए हैं? एको दिन आए हैं, पूछिए। हाँ। अगर आए तो बताइए हम लोग को। अभी हम लोग आए उतना दूर से। हाँ। देखने के लिए कि क्या कहाँ क्या दिक्कत है। हाँ। हम लोग को बता, हम लोग को जहाँ तक होगा सहायता हम लोग करेंगे। अच्छा देख लीजिए, बाकी गांव का ये स्थिति है, देखिए कैसे जानवर रह रहे हैं, कैसे इंसान रह रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं? बोलिए, क्या बोलिए, बोलिए कैसा महसूस हो रहा है पानी में, सोचिए। नहीं बोलिए, महसूस तो बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है। हाँ। और रहा पानी का स्थिति। हाँ। तो ये नेचुरल है, गंगा का पानी आता है। अच्छा इसका निराकरण जो है मतलब ना, मतलब नेचुरल है कि गंगा का पानी यहाँ आएगा, आएगा। इसका कोई व्यवस्था, कोई सोल्यूशन नहीं है? सुनिए, पानी कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन एक चीज है कि हम उसका जो है ना निवारण कर सकते हैं। अच्छा राज्य सरकार के तरफ से या स्थानीय प्रशासन के तरफ से उसका निवारण हो सकता है। आप बोल रहे हैं कि नेचुरल है आ जाएगा, मतलब है कि कितनो व्यवस्था करेंगे आएगा? देखिए कुछ एरिया पे भी डिपेंड करता है। अच्छा अब कुछ एरिया जैसे राजकुमार सिंह जैसे आएंगे विधायक। हाँ। तो जो एरिया मटिहानी विधानसभा में ऊंचा एरिया है। हाँ। ठीक। हाँ। वहाँ तो विजिट कर लेंगे ऐसे चल के। हाँ। इस एरिया में हम कहते हैं जैसे लोग डूबे हुए हैं। हाँ। इस तरह एक वीडियो बना के वो दिखा दे और लोग को खड़ा होकर पूछ ले। हाँ। कि आप खाना खाए हैं कि नहीं, या पानी पिए कि नहीं, आपको समुचित व्यवस्था है या नहीं। हाँ। बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, शुद्ध पेयजल है या नहीं, तब हम मानेंगे कि आप विधायक हैं और आप इस मटिहानी विधानसभा के अंदर आप एक जनता एक लोग को आप सेवा कर रहे हैं। कोई सेवा नहीं कर रहे, देख लिए इस बात पे, देखिए ताली बज रहा है। और ये स्थिति है गांव का कि लोग जीने के लिए मुशक्कत कर रहे हैं, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। बच्चे लोग से फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि बच्चा लोग क्या बाबू बोलो, कुछ बोलो, बोलिए। हम बोले, हाँ बोलो ना। स्कूल डूब गया, स्कूल डूब गया। यस। अच्छा भूखे व्यवस्था कुछ भी नहीं है, खाने का है, खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा चलिए देख लीजिए, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, नेताजी देखने के लिए नहीं आते हैं। बाकी आपको लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कितना डूबे हुए हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए इस पानी में कैसे लोग रहते होंगे। और 3-4 दिन से ये डूबा हुआ है, लेकिन विधायक जी हो चाहे सांसद जी हो, देखने के लिए अभी तक नहीं आए ना? एक दिन भी नहीं आए। चाची वोट तो दिलवा, वोट तो दिलिए, तो हम का की कहिए?
की कहिए हर बार कैसे ठग लेते तोरा आर के ठग न लई छथिन साहब जीते छथिन नहीं जीतवा तो देवा जीतवा देव हां जीतवा हर साल दिक्कत छै तो आप जब वोट मांगे लावे छै उस वक्त नहीं बोले छौ कि नहीं इस बार नहीं तोरा कोई उपाय नहीं होते हर बार हम कोई नहीं छथिन मन बारू सब नहीं दे छथिन कोई मन बारू छै नहीं दे छथिन पूरा गलत है वो आदमी एना नहीं दे छै कुछ नहीं हां सब ने का मन बारू छै सब कुछ भी जाता है उसका भी पैसा भी खा भी जाता है और कुछ नहीं देता है तो हर बार ये गांव डूब रहा है ना हाँ, हर गांव अच्छा अभी खाना उना आप लोग खाए कुछ नहीं सर कुछ नहीं 3 बज के अभी तक भूखले सब खाना उना पानी उनी कोई व्यवस्था नहीं इतना पानी दादी इतना पानी घर में चलिए घर में देख लीजिए हां पूरा घर डूबा हुआ हां बच्चा उच्चा कैसे रह रहा अच्छा छप्पर पर में बाप हां पक्का फट छे सब छप्पर पर छे चलिए वीडियो दिखाइए हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह को और माननीय विधायक जी को बाकी लोग देखिए बुला रहे हैं दिखाने के लिए कि घर पर आकर स्थिति दिखाइए और कैसा स्थिति है घर पर कह रहे हैं कि आकर घर का स्थिति देखिए लेकिन यहाँ के जो नेता हैं जो मंत्री हैं वो देखने के लिए नहीं आते हैं और नहीं आए हैं बाकी लोग कैसे रह रहे हैं ये स्थिति देख लीजिए आते हैं चाची उधर गड्ढोर है गड्ढा नहीं है तो आप लोग इसी तरह बैठे हुए हैं सुबह से बगल में गड्ढा अच्छा देखिएगा बगल में गड्ढा उठा की दादा हर बार डूब जाता है लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है सर एकदम निष्ठा काहे बार बार वोट देते हैं आप लोग सांसद विधायक को काहे नहीं व्यवस्था होता है आप लोग का व्यवस्था वोट जबरदस्ती लोभ से